लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम टोमेटो राइस बनाएंगे। ये झटपट बनने वाला रेसिपी है, एज अ वन पॉट डिश आप इसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। दो टेबलस्पून एक पैन ले ले, दो टेबलस्पून तेल डालें और एक टेबलस्पून घी डालें, आधा चम्मच जीरा। अब हम इसे खड़े मसाले डालेंगे, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, स्टार एनिस, तेज पत्ता। मसालों को हल्का सा फ्राई होने दें। अब हम एक बड़ा प्याज लंबे काट कर डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी फ्राई कर लें। चार टोमेटो मीडियम साइज के, इसे रफली चॉप करके डालें और मिक्स कर लें। इसमें सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक और दो हरी मिर्च। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर टोमेटो सॉफ्ट होने तक हमें इसे पकाना है। मैंने यहाँ 2 कप राइस लिया है, 20 मिनट भिगो के रखा था, नॉर्मल राइस। आप चाहे तो इसे बिरयानी राइस से भी बना सकते हैं। अच्छे से 2 मिनट फ्राई कर लें। हम ये ओपन पैन में बना रहे तो 2 कप के लिए 4.5 कप पानी लगेगा, थोड़ा सा पुदीना और आधा चम्मच गरम मसाला। नॉर्मल पानी यूज करें। एक बार नमक चेक कर लें और इसे पकने के लिए छोड़ दें। इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। जैसे ही थोड़ा पानी कम हो जाता है, इसे एक बार मिक्स करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने दें। आप ये राइस कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आप राइस कुकर में बना रहे हो तो 2 कप के लिए 4 कप पानी यूज करें। बस हमारा राइस बनकर तैयार हो गया है। अब इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। और इसे गर्मा गर्म सर्व करें लंच या डिनर के लिए। अपने मनपसंद रायते के साथ एंजॉय कीजिए। इसे हरे धनिया के साथ गार्निश करें। ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।